ज़िक्रिया 11वां बाब। ए लुबनान, तू अपने दरवाजों को खोल दे, ताकि आग तेरे देवदारों को खा जाए। ए सरू के दरख्त, नोहा कर, क्योंकि देवदार गिर गया और शानदार गारित हो गए। ए बसनी बलोत के दरख्तों, फगान करो, क्योंकि दुश्वार गुजार जंगल साफ हो गया। चरवाहों के नोहा की आवाज आती है, क्योंकि उनकी हशमत गारत हुई। जवान बबरों की गर्ज सुनाई देती है, क्योंकि यर्दन का जंगल बर्बाद हो गया। खुदावन मेरा खुदा यूं फरमाता है कि जो भेड़ें ज़िबा हो रही हैं, उनको चरा, जिनके मालिक उनको ज़िबा करते और अपने आप को बेकसूर समझते हैं, और जिनके बेचने वाले कहते हैं, खुदावन का शुक्र हो कि हम मालदार हुए और उनके चरवाहे उन पर रहम नहीं करते। क्योंकि खुदावन फरमाता है, मैं मुल्क के बाशिंदों पर फिर रहम नहीं करूंगा, बल्कि हर शख्स को उसके हमसाया और उसके बादशाह के हवाला कर दूंगा, और वो मुल्क को तबाह करेंगे और मैं उनको उनके हाथ से नहीं छुड़ाऊंगा। पस मैंने उन भेड़ों को जो ज़िबा हो रही थीं, यानी गल्ला के मस्कीनों को चराया, और मैंने दो लाठियां लीं, एक का नाम फजल रखा और दूसरी का इतिहाद, और गल्ला को चराया, और मैंने एक महीने में तीन चरवाहों को हलाक किया, क्योंकि मेरी जान उनसे बेजार थी और उनके दिल में मुझसे कराहियत थी। तब मैंने कहा कि अब मैं तुमको ना चराऊंगा। मरने वाला मर जाए और हलाक होने वाला हलाक हो, और बाकी एक दूसरे का गोश्त खाएं। तब मैंने फजल नामी लाठी को लिया और उसे काट डाला कि अपने अहद को, जो मैंने सब लोगों से बांधा था, मनसूख करूं, और वो उसी दिन मनसूख हो गया। तब गल्ला के मस्कीनों ने, जो मेरी सुनते थे, मालूम किया कि ये खुदावंद का कलाम है, और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए। और खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई, और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। कब मैंने दूसरी लाठी यानी इतिहाद नामी को काट डाला, ताकि उस बरादरी को जो यहूदा और इसराइल में है मौकूफ करूं। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तू फिर नादान चरवाहे का सामान ले, क्योंकि देख, मैं मुल्क में ऐसा चौपान बरपा करूंगा जो हलाक होने वाले की खबरगिरी और भटके हुए की तलाश और जख्मी का इलाज ना करेगा, और तंदुरुस्त को ना चराएगा पर मोटों का गोश्त खाएगा, और उनके खुरों को तोड़ डालेगा। उस नाबुकार चरवाहे पर अफसोस जो गल्ला को छोड़ जाता है, तलवार उसके बाजू और उसकी दाहिनी आंख पर आ पड़ेगी, उसका बाजू बिल्कुल सूख जाएगा और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी।